अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप और आपके बर्ड्स फाइन होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रा के ऊपर। ये कुछ रा के पट्टे मैंने परचेज किए हैं रिसेंटली और उनके लिए मैंने केज बनवाया है। केज का जो साइज़ है वो है 5 फुट इसकी लेंथ है, 2.5 फुट इसकी डेप्थ है और 2.5 फुट इसकी हाइट है। माशाल्लाह 7 पीस हैं अभी मेरे पास और काफ़ी इजीली फ्लाइंग भी कर लेते हैं और अच्छा साइज़ है। तो ये मैंने केज कॉर्नर रावलपिंडी से बनवाया है। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आज मैं रा के बारे में आपको देता हूँ। ये पट्टे हैं तकरीबन 1.5 साल के पट्टे हैं, माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं और ये कश्मीरी रहा है। और आप इनकी क्वालिटी चेक करें, बहुत ज़बरदस्त और नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह। काफ़ी सारे जो मेल हैं वो तैयार हो चुके हुए हैं, बीच में फीमेल्स हैं। फीमेल अपना आप अपनी आँख छोटी करके शो करवाती है जो इन इस साइज़ में, अदरवाइज़ तो फीमेल का तब तक नहीं पता लगता जब तक वो क्लियर नहीं होती, क्योंकि 2 साल तक फीमेल जो है वो बड़ा अडल्ट होने में, और मेल जो है वो सबको पता है, हर बंदे को पता है मेल जो है वो 2.5 से 3 साल के दरमियान ब्रीडिंग पे आता है। तो ये पट्टे जो हैं वो तकरीबन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट ईयर जवान हो जाएंगे, ब्रीडिंग पे आ जाएंगे। तो अभी तो ये वाइल्ड हैं, और क्योंकि जो अगर आपने ब्रीडिंग पर्पस के लिए कोई भी बर्ड लेना है, या तो मैं तो रेफ़र करता हूँ कि पट्टे लें, ख़ुद तैयार करें। आपको पता होता है कि आपने उनको क्या फीड डाली हुई है, आपको पता है आपने उनको किस तरीके से तैयार किया, विटामिन दिए हैं कि नहीं दिए, और मेडिसिन, अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी अगर आप यूज़ करवाएं तो वो इफ़ेक्ट नहीं रहता। जितना नेचुरल फीड होती है, नेचुरल चीज़ें होती हैं, फ्रूट वगैरह हो गया, सीड्स वगैरह हो गई, ये सारा कुछ आप इनको यूज़ करवाएं तो बहुत बेहतर होता है। माशाल्लाह हेल्दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी फीड में हर एक दिन छोड़ के मैं इनको फ्रूट देता हूँ, जिसमें सेब है, अमरूद है, और ज़्यादातर बस यही चीज़ें देता हूँ। और उसके बाद मिक्स दाना है जो इनका, वो इनको मैंने सेपरेट 2-3 जगह पे रखा हुआ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, क्योंकि इनकी फाइट ना हो आपस में। अगर ये एक साइड से खा रहे हों तो दूसरा जो आके ना इनको तंग करता है, मारता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। ये सारा एरिया ओपन है। तो इधर मैंने पहले कॉलोनी लगाई हुई थी ऑस्ट्रेलियन की, जिसमें से मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए। ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलियन के बाद कॉकटेल थे, कॉकटेल के मैंने काफ़ी सारे पेयर्स निकाल दिए हुए, सेल आउट कर दिए, जिसमें इनो भी था। तो अब ये गिने चुने 3 पेयर रह गए हैं, जिसमें ये पेयर, एक पेयर ये है, एक चारकोल का है और एक कॉमन का है। ये पेयर है माशाल्लाह, इनकी ब्रीड भी आई हुई है, मैं आपको ब्रीड भी दिखाता हूँ। चेक करें,
माशाल्लाह ये कॉमन का पेयर है और पर्ल की फीमेल है। फीमेल ये सामने है, कॉमन का मेल ये बैठा हुआ है, ये फीमेल है। और एक पेयर जो है कॉमन का, वो मेरे ख्याल से आई थिंक बॉक्स पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी वो बॉक्स में, और मेरे ख्याल से एग्स दिए हैं उसने भी। तो ये ओवरव्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये सारा कुछ निकाल के इंशाल्लाह मैं राह की साइड पे आऊँगा। और ये कुछ मेरे पास ऑस्ट्रेलियन के पेयर्स रह गए हैं। माशाल्लाह ये सारे ब्रीडर हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये वायलेट का मेल है और ब्लू ये होता है, ब्लू कलर ये, और ये वायलेट है। वायलेट मींस के ये वर्किंग में बनता है, इसको बनाना पड़ता है। और काफ़ी सारे कलर्स हैं, हर माशाल्लाह हर कलर में है। ये ग्रीन चेक करें आप, ये एक कॉलोनी मैंने यहाँ पे इनकी बनाई हुई है। ये क्रस्टेड के पेड़ बीच में मैंने वैसे ही छोड़े हुए हैं। एक तो ये है, दो पेयर हैं, ये एक बैकफिल का मेल है। और थोड़ी सी मैं लवबर्ड का भी आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरी कॉलोनी जो है ऐसे स्टार्ट होती है। ये सारी लवबर्ड्स की है, ये आप देख चुके हुए हैं माशाल्लाह, इसकी इनकी प्रोग्रेस भी आप देख चुके हैं। अब माशाल्लाह इन्होंने कईयों ने फोर्थ क्लच अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है, और माशाल्लाह अभी भी फिफ्थ क्लच के लिए काफ़ी सारे पेयर स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बॉक्स अभी तक उतारे नहीं हैं। सीज़न तकरीबन एंड हो रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा गर्मी में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात पेयर भी अंदर चले जाते हैं, हीट इतनी हो जाती है कि वो आप हीट कंट्रोल नहीं कर सकते और सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब जैसे जैसे थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह ये बॉक्स वगैरह सब कुछ उतार के इनको रिलैक्स दूंगा अगस्त तक। अगस्त में देखूंगा, अगर मौसम अच्छा थोड़ा सा होना शुरू हुआ तो फिर इनको बॉक्स वगैरह दे दूंगा। तब तक अगर इनकी फिर खिदमत करनी पड़ेगी, इनको विटामिन्स देने पड़ेंगे और काफ़ी सारा कुछ इनके साथ करना पड़ेगा, ताकि ये नेक्स्ट मतलब अगस्त में तो अच्छे साइज़ में हो और अच्छी ब्रीड भी आए। माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन के भी बच्चे जो हैं वो बाहर आना शुरू हो चुके हुए हैं। मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियंस थे, लेकिन मैंने जो है ना काफ़ी कम कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो ये ओवरव्यू है मेरे राव वाली साइड का। इंशाल्लाह यहाँ पे ये सारा सेटअप इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बरकत दे और इसी तरह चलता रहे, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। और ये शौक़ जो मेरा राव वाला था, ये बहुत पुराना था। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं बर्ड्स ने ये चीज़ मेरा शौक़ पूरा किया है, मतलब ऑस्ट्रेलियंस ने, लव बर्ड्स ने और कॉकटेल ने, इन्होंने ही मेरा ये शौक़ पूरा किया है कि आज मैं अपने शर्ट पे रा के कुछ पीसेस रख सकता हूँ। कुछ नहीं, माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, अल्लाह का शुक्र है। और एक पेयर मेरे पास है रिंग नेक का, माशाल्लाह इसका बच्चे की मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो ये भी माशाल्लाह वो भी अब सेल्फ के करीब है, फुल कवर हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपको उसकी भी वीडियो बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो फीड अपने घर में खुद बनाई थी वो मैंने अपने चैनल पे शो की हुई है, वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उसका 100% रिज़ल्ट है, मींस कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना स्मेल है, ना
क्योंकि बर्ड भी एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियतें दी हुई हैं हम सबको। जितना शुक्र अदा करें हम सब कम है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे 50% नॉन सब्सक्राइबर है, तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वीडियो एडिट भी करनी होती है, प्लस जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हर बंदा, जो भी जितने भी चैनल्स हैं, हर बंदा अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आपको महसूस हो रहा है कि यार ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है या इसने कोई अच्छी बात बता दी है कि नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरे बर्ड्स भी चलेंगे, तो आप उसको कम से कम मोटिवेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुश हो के नेक्स्ट अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।